रजक महासंघ जिला इकाई छतरपुर के द्वारा दशहरा मिलन समारोह मनाया गया। रजक समाज के द्वारा रखा गया दशहरा मिलन समारोह, जिसमें छतरपुर जिले के युवा और वरिष्ठ जन शामिल हुए और समाज को आगे ले जाने की चर्चा की तथा एससी के बारे में भी चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष सुंदरलाल रजक ने कहा कि मौजूदा सरकार ने रजक समाज की मांग पूरी नहीं की है, इसी कारण समस्त प्रदेश की रजक समाज अब की बार भाजपा का विरोध करेगी। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है एकजुट होके जी, कि वर्षों से हम लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल करो जी, और हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है जी। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो भी सरकार हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करेगी, हम लोगों से मिले आके और बात करे, हम उसी को वोट देंगे। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और थोड़ा सा समझ में आ रही मेरी को, ये जैसे कि अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, मुझे बड़ा गर्व है, क्योंकि आप थोड़ा सा ये थोड़ा और बताएं हमें कि अभी जो आपने आज संकल्प लिया है जी, यदि कोई पार्टी अड़ेगा आपको, इतने वर्ष चले आ रहे फिर का यही तो हम लोगों के साथ धोखा दे ही रहे पार्टी वाले, मतलब जो सरकार बनती वो आपके साथ धोखा दे रही है। बिल्कुल दे रही है। तो आज तक आप लोगों को हरजन में शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया है। अब क्या ठान लिया आपने कि मतलब पहले हरजन में शामिल किया जाए, इसके बाद वोट दी जाएगी क्या? हम लोगों को हरजन में शामिल किया जाए, हम लोगों को लिखत दे कि हम करेंगे। मध्य प्रदेश में आपके दो तीन जिले हैं जहाँ पे ऐसा सुनने में आया है कि हरियन में शामिल है, तो इस संबंध में आपने सीएम से क्या कोई चर्चा बात की है क्या? इस संबंध में हमारे संगठन द्वारा कई बार ज्ञापन भेजे, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजे और दिल्ली राजधानी भोपाल में भी जाकर ज्ञापन संगठन के द्वारा दिए गए और संगठन के द्वारा ही दिल्ली में ज्ञापन सौंपे गए कि हमारे समाज को पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम लोग मजबूर हैं और आंदोलित हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो आगामी लोकसभा चुनाव में और या विधानसभा चुनाव में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे, जो सत्तासीन को बहुत भारी पड़ेगा।